एक ऐसा बैक्टीरिया जिससे आधी दुनिया इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है, जिसका इलाज अब तक नहीं है। और खास बात यह है कि ये किसके अंदर है, किसके नहीं, कितना खतरनाक है, कितना नहीं, ये भी अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। क्या है ये बैक्टीरिया, जानते हैं। इस बैक्टीरिया का नाम है सुपर बग, जो कि इंसानों में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STI पैदा करता है, जिससे लोग इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। सुपर बग ऐसे तो बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन कुछ स्वभाव में ज्यादा हानिकारक नहीं होते और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। इसका नाम माइक्रोप्लाज्मा जेनिटेलियम है। ये इतना खतरनाक है कि अब तक इसके इलाज के लिए जिस भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये उन सभी के प्रति रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और इसी वजह से इसको निपटाना डॉक्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब इस बैक्टीरिया के इतिहास के बारे में जानते हैं। साल 1980 में पहली बार इस बैक्टीरिया को खोजा गया था, और 1980 के बाद सीधा 2019 में इस बीमारी का पता लगाने के लिए पहली बार अमेरिका में इसके लिए टेस्टिंग की शुरुआत की गई। ये टेस्ट फिलहाल अमेरिका तक ही है। जिसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट भी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि इस बैक्टीरिया का प्रसार दुनिया के किन किन देशों तक हो चुका है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो 100 में से एक आदमी इस बैक्टीरिया से संक्रमित पाया गया है, बट साइंटिस्ट से दैट इट्स स्प्रेड अमंग पीपल इज वेरी हाई। दिस इन्फेक्शन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, प्रीमैच्योर बर्थ, मिसकैरेज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस एंड मेनी रिलेटेड डिजीजेस। बताया जा रहा है कि एमजन का ज्यादातर मामलों में कोई लक्षण नहीं होता है, और ये लोगों के अंदर कई सालों तक रह सकता है, पर ये बाकी के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ज्यादा खतरनाक है। इसका ट्रीटमेंट इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इसके लक्षण तुरंत नजर नहीं आते। एमजन में कॉज ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड पेन इन द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इन एडिशन इट कैन आल्सो कॉज इनफर्टिलिटी इन वुमेन। और यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये लोगों में फैलता भी है? तो एक्सपर्ट्स से दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अ वुमन एंड अ मैन, एंड इट कैन आल्सो पास फ्रॉम मदर टू चाइल्ड बिफोर द बर्थ, जिसके कारण ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिलहाल इसके ऊपर स्टडी चल रही है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी इलाज सामने नहीं आया है। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। Thank you.